धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से जब्त की गई नकदी की गिनती पांचवें दिन भी जारी है। कई गिनती मशीनें खराब हो गई हैं। कथित तौर पर गिनती मशीनों की तुरंत मरम्मत के लिए कुछ मैकेनिक बैंक में मौजूद है। वहीं दूसरी ओर इस पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू सांसद नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम 2022 का वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब एक इतने व्यापारी के घर से भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था। उस समय भाजपा के लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके ये प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है, अगर वो सपा का पैसा है तो कम से कम आधा ही हमें दिलवा दो। हालांकि अब SBI के अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि संबलपुर और टिटिलागढ़ ब्रांच में नोटों की गिनती खत्म हो गई है। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो।